हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उसमें हम देख लेंगे। मेमोनिक, हाय पापा, हाय से ऐसे हो गया हाइड्रो ओमनियोस, जो पॉलीहाइड्रो ओमनियोस हो जाता है, जिसमें कि हाइड्रो हाइड्रो ओमनियोस ओमनियन फ्लूड होता है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। आई फॉर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, जो भी बेबी है उनका यूट्राइन में जो ग्रोथ जो होगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। पी से प्री टर्म लेबर हो जाएगा, मतलब कि डेट पहले ही हो जाएगी लेबर की और उसको बेबी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ए से एंटीपार्टम हेमरेज बिफोर डिलीवरी, या बिफोर हम बोल सकते हैं जो भी पार्टम पीरियड है, जो भी लेबर का ड्यूरेशन है, उसके पहले ही बेबी के लेस देन 28 वीक या 20 वीक्स के पहले ही प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। पी से प्री क्लैम्पशिया हो जाएगा। ए से अबॉर्शन, तो ईजी है और सिंपल है। हाय पापा, हाय से हो गया, हाय का एच से हो गया हाइड्रोमनियोज, पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाएगा उसका। आई से इंट्राउटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। पी से पापा, सॉरी पापा से पी का जो होगा प्रीटर्म लेवर। ए से एंटीपार्टम हेमरेज। पी से प्री क्लैम्पशिया। प्री क्लैम्पशिया का मतलब है कि जो होता है बेबीज में, उनमें बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना प्रेगनेंसी में, वो बोलते हैं। ए अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये था न्यूमोनिया।